आई स्टडी ऑनलाइन में आपका स्वागत है। फिर हाजिर है एक नए टॉपिक के साथ। सॉलिड स्टेट फिजिक्स लगभग पूरा कंप्लीट अपन पढ़ चुके हैं। आज की जो क्लास होगी वो सॉलिड की लास्ट क्लास होगी। फिर भी आपको लगे कि कोई ये पॉइंट है जो एग्जाम्स में आया हुआ है कि या नहीं है, श्योरली यू कैन कॉन्टेक्ट ओवर टेलीग्राम पेज। ठीक है, ओके। आज का एकदम से नया टॉपिक है, उसके बारे में बोर्ड के उधर चलो। प्रतिलोमी जालक, सुंदर लिखने दो थोड़ा सा, प्रतिलोमी जालक बताया हुआ है जी। थोड़ा सा जो जालक सामने से अपने को कोई सतह दिखाई देती है उसके पीछे वाला जालक क्या होता है, प्रतिलोमी होता है। ठीक है जी, कोई दिक्कत। अब निकालते कैसे हैं, कौन सा प्रतिलोमी, डेफिनेशन क्या होगी वो भी समझेंगे। याद करो एक्सरे विवर्तन, एक्सरे विवर्तन का काम ही ये है कि ये इधर से यदि रे डाली जाती है तो इसकी छाया किसी फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर यहां पर आपतित हो जाती है। तो किया क्या अपन ने, इधर से अपन ने कोई बीम डाली, सॉलिड पे आई, इसके पीछे वाले भाग से भी तो प्रकीर्णित होगी, मीन्स पीछे वाले भाग को या वो छाप देती है। मीन्स हेडिंग लगाते हैं, डेफिनेशन का डिस्कशन करते हैं। नॉर्मल बात आपको बता दी, रिसिप्रोकल लेटिस। जी डेफिनेशन क्या होती है सुन लो ध्यान से। अभी जो बताया है कि किसी क्रिस्टल का एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप ही उस क्रिस्टल का प्रतिलोमी जालक कहलाता है। कितनी आसान है, किसी क्रिस्टल का एक्स किरण विवर्तन प्रतिरूप ही उसका क्या कहलाएगा, प्रतिलोमी जालक कहलाएगा। लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला, इसके आगे आप बढ़िए कि प्रतिलोमी जालक होते हैं, जैसे कि सपोज करो आप प्रतिलोमी जालक, इसके भी क्या होंगे, प्राचल। प्राचल का मतलब जैसे जालक का अपन ले रहे थे ना ए बी सी, उसी प्रकार प्रतिलोमी जालक होता है उसके प्राचल। इन प्राचल के क्या होते हैं, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। नोटेड पॉइंट, क्या खास बात हुई कि प्रतिलोमी जालकों के लिए जो भी प्राचल अपन काम में लेंगे वो नॉर्मल जालक, नॉर्मल जालक के लिए जो प्राचल ए बी और सी है उनके जस्ट क्या होंगे, उल्टे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट। अब कैसे निकालते हैं, सीधे सीधे फॉर्मूले है भैया कि यदि तीन वेक्टर ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, यदि तीनों वेक्टर प्रतिलोमी जालक के प्राचल है तो उनका रिलेशन कुछ इस प्रकार से होना चाहिए। 2π ए निकाल रहे हैं तो यहां आएगा बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। पूछोगे कैसे निकालना, कोई तरीका नहीं है भैया, सीधा याद रखो। ठीक है, ए बराबर 2π बी क्रॉस सी अपॉन ए डॉट बी क्रॉस सी। ओके, नेक्स्ट। इसी प्रकार बी निकाल दो, 2π, देखो ए है तो बी क्रॉस सी, बी है तो क्या आएगा सी क्रॉस ए। ध्यान से समझिएगा, बी है तो क्या आएगा सी क्रॉस ए, नीचे क्या आएगा इसको देख के लिख दो, बी क्रॉस सी, ये का ये यहां पे है तो सी क्रॉस ए, ये का ये यहां बच कौन सा गया, बी डॉट सी क्रॉस ए, और सारे वेक्टर होने। ठीक है ना, ये लो लगा दिया अपन ने वेक्टर, नो प्रॉब्लम। सी आपको लिखना है तो लिख सकते हो, जो तरीका बताया है 2π, सी है तो क्या आएगा ए और बी, क्रॉस मल्टीपल में आएगा, मीन्स ए क्रॉस बी। ओके, नीचे इनको देखता है, देखते हैं तो क्या लगता है कि ए क्रॉस बी तो आना है, रे कौन सा गया सी डॉट ए क्रॉस बी। समझे इस बात को कि प्रतिलोमी जालक में ए बी और सी का मान कैसे होता है। अब एक चीज बोली जाती है कि दो प्रतिलोमी जालक, सपोज करो एक प्रतिलोमी जालक ए आई है मेरे पास, दूसरा प्रतिलोमी जालक ए जे है, तो यदि मैं ए आई और ए जे का गुणा करूं तो ये मान क्या देगा, तो ये मान किस पे डिपेंड करेगा, आई और जे पे डिपेंड करेगा। समझना इस बात को, क्वांटम कॉन्सेप्ट है, ये मान आई और जे पर निर्भर करेगा। और देखिएगा डेल्टा आई जे इसको लिखेंगे, इसका मान एक होगा इफ आई किसके बराबर हो, जे, डेल्टा आई जे, इसका मान जीरो होगा इफ आई नॉट इक्वल। क्या समझ में आया आपके, क्वांटम याद करो,
क्वांटम में दो कॉन्सेप्ट होते थे, जहाँ से भी आप पढ़े हो वहाँ पर आपको बताया गया था, क्योंकि थर्ड ईयर का फर्स्ट पेपर क्वांटम है, वहाँ वो जरूर बताया जाता है कि ऑर्थोगोनल कंडीशन क्या होती है और नॉर्मलाइजेशन कंडीशन क्या होती है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ यदि नहीं पता। यदि आई बराबर जे है उस सिचुएशन में डेल्टा आई जे बराबर वन होता है तो इसको कहते हैं पर सामान्यकरण। क्या बोलते हैं जी? पर सामान्यकरण, इंग्लिश में बोलते हैं जी नॉर्मलाइजेशन। ओके डियर, ऐसे लिखते हैं यहां पे नॉर्मलाइजेशन। यदि डेल्टा आई जे किसके बराबर हो? जीरो, और आई नॉट इक्वल टू जे हो तो ऐसी कंडीशन को बोलते हैं लंबिकता। क्या बोलते हैं जी? लंबिकता मीन्स ऑर्थोगोनेलिटी, ऑर्थोगोनेलिटी। समझ आई बात आपको? ठीक है ना, ये एक क्वांटम कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में अपन ने डिस्कशन किया, लेकिन इसकी खास बात क्या है अब और सुनिए। प्रतिलोमी जाल क्या था, इसके पैरामीटर कैसे लेते हैं, अच्छे से बताया आपको। क्वांटम कॉन्सेप्ट क्या है, यदि बराबर है तो वैल्यू वन ले लो, बराबर नहीं है तो वैल्यू जीरो ले लो। एक दो बातें और सुनिए प्रतिलोमी जालक के बारे में, कि किसी भी प्रत्यक्ष क्रिस्टल के तल के संगत प्रतिलोमी जालक सदिश उस तल के लंबवत होता है। मीन्स कोई भी क्रिस्टल है उसमें प्रतिलोमी जालक सदिश किससे डिनोट करेंगे प्रतिलोमी को? जी एच के एल। मीन्स ये जी एच के एल का मान है ये एच के एल। क्या बताया मैंने? क्रिस्टल के तल के कैसा जी? लंबवत। ठीक है, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, प्रतिलोमी जालक सदिश का जो परिमाण होता है वो परिमाण प्रत्यक्ष जाल के मध्य अंतराल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मीन्स यदि आप जी एच के एल का मैग्नीट्यूड निकालो तो ये 1/dhkl के क्या होगा जी? व्युत्क्रमानुपाती होगा। थोड़ा सा यहाँ देखिए, जगह पड़ी है, क्या बोला है? जी एच के एल व्युत्क्रमानुपाती है 1/dhkl, तो यहाँ से यदि प्रोपोर्शनल साइन को हटाए तो 2π ले सकते हैं। ठीक है जी, इजीली ले सकते हैं ना, तो ले लीजिएगा जी एच के एल। प्रोपोर्शनल को हटाओ, कोई कांस्टेंट, ये 2π आ रहा है ना, वो यहीं से कांस्टेंट निकल के आ रहा है कि इस प्रोपोर्शनल को हटाया तो 2π/dhkl। समझ रहे हो इस बात को आप? ठीक है, नो प्रॉब्लम। प्रतिलोमी जालक के बारे में सीखा आपने कि क्या है। अब प्रतिलोमी जालक की सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या होती है, अपने को पढ़ना है एकक कोष्टिका की मदद से कि एकक कोष्टिका में प्रतिलोमी जालक कैसा होता है। तो सुनिएगा ध्यान से, एकक कोष्टिका अपन ने कौन सी पढ़ी है जी? पहली पढ़ी है सिंपल क्यूबिक, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट बोल रहा हूँ मैं। फिर पढ़ा BCC, फिर पढ़ा FCC, उसके बाद पढ़ा SCP। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, गांठ बांध लेना। SC तथा HCP स्वेन के प्रतिलोमी होते हैं, स्वेन के प्रतिलोमी होते हैं। मीन्स क्या है यहाँ से, कि सिंपल क्यूबिक का प्रतिलोमी भी सिंपल क्यूबिक होता है और HCP का प्रतिलोमी भी HCP होता है। ओके, उसी प्रकार BCC का प्रतिलोमी FCC होता है और FCC का प्रतिलोमी BCC होता है। मीन्स BCC का यदि आप रिसिप्रोकल निकालो तो आपके पास FCC मिलेगा, और FCC का यदि आप रिसिप्रोकल निकालो तो आपके पास BCC मिलेगा। दोनों पॉइंट समझ आए? फिर से मैं बोल देता हूं, SC तथा HCP स्वेन प्रतिलोमी होते हैं जबकि BCC का प्रतिलोमी FCC एंड FCC का प्रतिलोमी BCC होता है। प्रूफ करके बताते, चलो इनमें से एक प्रूफ करके बता देते हैं आपको, कि वरना तो आप कैसे मानोगे कि मैं सच बोल रहा हूँ क्या? प्रूफ करके बताएंगे तभी तो मानोगे। लेकिन भैया ध्यान वो रखना आपको कि जब भी अपने FCC, BCC, SC पढ़ाता तो वहाँ अभाज्य सदिश लेके अपन सॉल्यूशन कर रहे थे, और वो जो अभाज्य सदिश है उनकी मदद से अपन ये वाला प्रूफ करेंगे। ठीक है, मैं एक बता रहा हूँ आपको, यदि आपको FCC से BCC मीन्स FCC का प्रतिलोमी BCC होता है, इसको आपको क्या करना है? प्रूफ। ठीक है जी, और प्रूफ करना है तो यहाँ से मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, फलक केंद्रित कोष्टिका मैंने पढ़ा दिया आपको, और फलक कोष्टिका FCC के लिए जो अभाज्य सदिश होते थे उनका मान भी बताया था। अभाज्य सदिश क्या बताया था जी? A वेक्टर क्या था? a/2 j+k, याद करो थोड़ा सा। B क्या था? a/2
आई प्लस के, याद आ रहा ना? दिक्कत है तो प्रीवियस वीडियोस देखना, a बाई टू सी आ गया तो अब क्या ले लो, i प्लस, इसको इक्वेशन वन मान लो, टू मान लो, थ्री मान लो। जब इतना अपने पास होता है तो आप वॉल्यूम आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। वॉल्यूम निकालने का तरीका क्या बताया था आपको इसके लिए, a डॉट b क्रॉस c। अब ऐसा नहीं है मैं वॉल्यूम निकाल के बताऊंगा, एफ सी सी का वॉल्यूम पीछे वाले लेक्चर्स में निकाला हुआ है और v का मान आया था a क्यूब बाई फोर। ये इतनी बात होगी, मीन्स एफ सी सी के बारे में अपन डिस्कशन किया और उसका मान क्या आया, ए क्यूब बाई फोर, प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ। अब आपको यहाँ पर प्रतिलोमी जालक लेके चलना है और प्रतिलोमी जालक लेने के बाद इसका सॉल्यूशन निकालना है और ये देखना है कि क्या वो बी सी सी को फाइंड करता है कि नहीं। समझिए बात को, ए बी सी आपके पास है, अब मैं निकालने जा रहा हूं प्रतिलोमी जालक, प्रतिलोमी जालक पहले समझिए उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखिए। यदि ए निकालना होता तो प्रतिलोमी जालक, एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, ए बी सी जो लिखे थे ना उन पे स्टार लगाना होता है, ए स्टार, बी स्टार और सी स्टार। ए स्टार क्या था जी, टू पाई ए था, तो आगे क्या था, बी क्रॉस सी डिवाइडेड बाई ए डॉट बी क्रॉस सी। ए डॉट बी क्रॉस सी क्या है, वॉल्यूम की टर्म है, समझ रहे हो इस बात को आप, मीन्स वॉल्यूम को आप बाहर अलग ही धर दो, ठीक है जी। ए स्टार इक्वल टू पाई, नीचे क्या है, वी बी क्रॉस सी, बी रखिए यहां से तो ए बाई टू आई प्लस के, धीरे धीरे समझिए, जल्दीबाजी में दुर्घटना हो सकती है, ए बाई टू सी की जगह क्या आएगा जी, आई प्लस, नो प्रॉब्लम, बढ़ो आगे। ए स्टार इक्वल टू पाई अपोन वी, ए बाई टू कॉन्स्टेंट, ए बाई टू कॉन्स्टेंट बाहर ले लो, ए स्क्वायर बाई फोर हो गया, अंदर क्या बचा, फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीपल आई क्रॉस आई, फर्स्ट को सेकेंड से आई क्रॉस जी, सेकेंड को फर्स्ट से के क्रॉस आई प्लस सेकेंड को सेकेंड से के क्रॉस, बस सदिश का कॉन्सेप्ट लगा दो, टू पाई अपोन वी इंटू ए स्क्वायर बाई फोर आई डॉट आई जीरो, जे डॉट, जे डॉट आई क्या हो गया, के हो गया ना, जे डॉट आई डॉट जे के, ठीक कोई दिक्कत नहीं है, के डॉट आई जे, के डॉट जे उल्टा आ गया, देखो के डॉट जे क्या माइनस आई हो गया, उल्टा आ गया तो क्या हो गया, माइनस आई, थोड़ा सुंदर लिखिए, ए स्टार इक्वल टू पाई अपॉन वी इंटू ए स्क्वायर बाई फोर माइनस आई प्लस जे प्लस क्या हो गया, के कैफ हो गया, ठीक है जी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी इसमें, ठीक है। अब आपके पास वॉल्यूम वी का मान क्या है, तो वॉल्यूम वी का मान क्या निकाला था, ए क्यूब, नहीं जब आप यहां से इस वाले को मल्टीपल करोगे, ए डॉट बी क्रॉस सी का जब आप मान निकालोगे तो आपके लिए ये वैल्यू निकल के आएगी, देखिएगा ये वैल्यू निकल के आएगी ए अपोन, कितनी निकल के आएगी, a अपॉन फोर निकल के आएगी, करना है आपको खुद से ये, ठीक है ना, a अपॉन फोर क्यों निकाला है ये पढ़ा, देखो ध्यान नहीं दिया मैंने, a क्यूब बाई फोर, ठीक है ना, तो फोर से फोर चला जाएगा, स्क्वायर से एक कम हो गया, मींस a स्टार क्या निकला अपने लिए, टू पाई अपॉन a साथ में माइनस i प्लस j प्लस k, इसको देखिएगा 2 पाई को छोड़कर देखिएगा, माइनस आई मीन्स वेक्टर को पकड़िए, माइनस आई प्लस जे प्लस के किसका वेक्टर होता है, बी सी सी का वेक्टर होता है, प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुके हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में आपको बता चुके हैं कि बी सी सी का जो वेक्टर होता है वो माइनस आई प्लस जे प्लस के होता है। इसी प्रकार जब आप निकालोगे, एक मैंने निकाल के बता दिया, सेकेंड जब आप निकालोगे तो बी स्टार की वैल्यू आपको मिलेगी 2 पाई अपॉन ए, इस बार j माइनस, सीधा तरीका भी याद रख सकते हो, i माइनस j प्लस क्या हो जाएगा जी, k हो जाएगा,
सीधा तरीका बताया, वहां पे भी बताया था, इस फर्स्ट में ए में पहला माइनस कर दो, बी में सेकंड माइनस कर दो, सी में थर्ड माइनस कर दो। यदि सी स्टार आपको निकालना है तो 2 पाई अपॉन ए आई प्लस जे, थर्ड वाला क्या कर दो माइनस, और ये का ये कॉन्सेप्ट क्या था, बी सी सी था। मींस मान लो इसको मैं कैपिटल एक्स दे देता हूं, इसको मैं कैपिटल वाई दे देता हूं, इसको मैं कैपिटल जेड। तो अपन ने क्या देखा कि मैंने एफ सी सी के पैरामीटर काम में लिए, ठीक है ना, प्रतिलोमी जो जालक था उसमें मैंने एफ सी सी के पैरामीटर काम में लिए, जो मेरे को सदिश मिल रहे हैं वो सदिश किसके मिल रहे हैं, बी सी सी। इसका मतलब क्या है, एफ सी सी का प्रतिलोमी क्या होता है, बी सी सी, और ये टास्क आपके लिए छोड़ते हैं, बी सी सी लेके चलना, एफ सी सी आपको मिलेगा, दावा है अपना, करके देख लेना, समझ आई बात। मीन्स अपन ने ये एग्जाम्पल पढ़ा है, क्योंकि ऐसे आप बिलीव नहीं करते थे ना कि बी सी सी का एफ सी सी है या एफ सी सी का बी सी सी है, सिर्फ वेक्टर को पकड़ना होता आपको, जब वेक्टर आपके पास मिल जाता है मीन्स वो लेटिस आपको मिल चुका है। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कई बार आपके एग्जाम से में पूछा हुआ, उसका भी मैं डिस्कशन कर लेता हूँ, इसी चैप्टर का है, छोटा सा क्वेश्चन है। आपको ये पूछा जाता है कि किसी गणनीय संरचना के लिए सिद्ध कीजिए, मैं क्वेश्चन लिखता हूँ पहले, ऐसे नहीं समझोगे आप, किसी गणनीय संरचना के लिए सिद्ध कीजिए कि, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना होता है, कि g का जो मान होता है, ठीक है, जो प्रतिलोमी सदिश है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो 4 पाई अपॉन लेमडा इंटू साइन थीटा होता है। ये स्टैंडर्ड कथन होता है, g इक्वल टू 4 पाई अपॉन लेमडा इंटू साइन थीटा होता है, n भी यहाँ पे होता है, n 1 2 3, ठीक है, n बराबर 1 होगा तो अपन हटा देंगे। देखिएगा इसका कैसे प्रूफ करते हैं, अगले ने कहा है g क्या है, प्रतिलोमी, वी नो दैट बाई रिसिप्रोकल लैटिस डेफिनेशन, मींस अभी एक फॉर्मूला बताया था थोड़े से टाइम पहले कि रिसिप्रोकल लैटिस, जी अपन ने क्या माना था, प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1 अपॉन डी एच के एल, प्रोपोर्शनल को हटाया था तो कांस्टेंट क्या लिया था, 2 पाई अपॉन एच के एल, ओके, इक्वेशन नंबर 1, नो प्रॉब्लम डियर, लेक्चर पूरा देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बीच में चले जाओगे तो प्रॉब्लम होगी। अच्छा ब्रेक समीकरण क्या होता है, मेरे को क्या आइडिया लगा बताओ, क्योंकि यहाँ क्या आ रहा है, साइन थीटा, यदि कोस थीटा आता तो मैं कौन सा काम में लेता, लव ये ले लेता, ठीक है, साइन थीटा आया तो क्या ले लिया मैंने, ब्रेक समीकरण काम में ले लिया। ब्रेक समीकरण क्या होता है, 2d साइन थीटा किसके बराबर जी, n लैम्डा d h के n, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर आप डी एच के एल निकाल लो तो डी एच के एल क्या मिला अपने को, n लैम्डा अपोन, नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू क्या आ गया जी, साइन थीटा। इसको इक्वेशन 2 समीकरण 2 को कहाँ रख दीजिए, समीकरण 1 में आप पुटअप कर दीजिए और अपने को क्या मिलेगा देखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जी इक्वल 2 पाई अपॉन एन लेमडा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा, नीचे का नीचे कहाँ भाग गया, ऊपर भाग गया, मीन्स जी इक्वल 2 पाई इंटू 2 साइन थीटा डिवाइडेड बाई एन लेमडा, ठीक है, जी इक्वल किसके जी, 4 पाई साइन थीटा अपोन नीचे क्या आ गया, एन लेमडा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, मीन्स हैंस प्रूव्ड, समझ आई बात, बहुत ही आराम से डिस्कशन अपन ने, हाँ मेरी थोड़ी आदत है कि मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा देता हूँ आपको हर एक स्टेप स्पीडली, क्योंकि कैलकुलेशन है तो 1 और 1 2 होता है, 4 होता है, तो ऐसे अपन स्पीड बढ़ा सकते हैं, वहाँ अपना जो टाइम होता है उसका अपन मैनेजमेंट कर सकते हैं। यही देखा होगा आप अगर बैक टू बैक सारे लेक्चर्स देख रहे हो तो यही देखा है, जैसे ही डेरिवेशन शुरू होता है, थ्योरी अपन अच्छे से समझते हैं, डेरिवेशन शुरू होता है तो अपन अपने टाइम बचाने के लिए, कि टाइम भी अपना थोड़ा कम लगे, अपन स्पीड से वो डेरिवेशन करते हैं, और देखा होगा आपने, ठीक है, मीन्स मेज कर लो आप इस हिंदुस्तान पेट्रोलियम वाले को, अगले ने बोला था वो निकला कि नहीं, मीन्स ये स्टैंडर्ड खत्म होता है, और आपके जेब में पूछा जाता है कि गणनीय संरचना के लिए प्रतिलोमी जालक का मान कितना होता है, तो सीधा याद रखिए आप 4 पाई अपॉन एन लैम्डा इंटू क्या जी, साइन थीटा। पूरा प्रयास किया है आपको प्रतिलोमी जालक जितना आपके सिलेबस में था, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि पूरा है, जितना आपके सिलेबस में था, सिलेबस में ये नहीं था आपके कि कैसे डिराइव करते हैं, अगर होता तो अपन डिस्कशन करते, कोई दिक्कत नहीं है डियर, बने रहो साथ, लगे रहो, क्योंकि लगे रहोगे तो कुछ मिलेगा, और लेक्चर्स को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपके जो लाइक है वही हमें ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा मैटर प्रोवाइड करने के लिए मोटिवेट करते हैं। थैंक यू।